नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में जिसका नाम है ताज वायनाड। 4 दिन के केरला का ट्रिप का हम लोग का आज आखिरी दिन है, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर की तरफ। तो उसके पहले यहाँ एक लेक पे, छोटा सा लेक है कर्ला लेक, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। फोटो क्लिक करने के लिए बहुत बेस्ट जगह ये। ताज भी आप लोग को दिखाते हैं। ताज होटल जो है, ताज वायनाड एक लग्जरी रिजॉर्ट है जो केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यह रिजॉर्ट आपको एक बहुत ही सुखद और शांति भरा अनुभव प्रदान करता है। इसके बहुत से रूम और सूट्स हैं, जिसमें से कुछ रूम्स काफ़ी स्पेसियस हैं और उनमें आपको मॉडर्न एमिनिटीज मिलेंगे। अब हम लोग बैठ गए हैं बैटरी वाले रिक्शे पे और जा रहे हैं लंच करने। जब आप ताज वायनाड में होते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी खूबसूरती दिखाई देगी। यहाँ की सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट आपको रिफ्रेश कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक नए दुनिया में हैं। यहाँ आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी करने को मिलते हैं, जैसे कि नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग पूल इत्यादि। सामने स्विमिंग पूल है ताज वायनाड का। अगर आपको खाने का शौक है तो ताज वायनाड आपको बहुत से ऑप्शंस प्रदान करता है। यहाँ के शेफ्स आपको डिलीशियस एंड हेल्दी फूड प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ ट्रेडिशनल केरला कुजीन भी ट्राई करने को मिलेगा जो बहुत टेस्टी है। लॉन में आ गया हूँ और नीचे है, पीछे है रोनासागर डैम। खाना हम लोग ने खा लिया, खाना काफ़ी टेस्टी था और हम लोग का बिल आया सिर्फ 1200 रुपये। लेकिन इतने खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए ये पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ओवरऑल ताज वायनाड एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जहां आप अपने बिजी लाइफ से थोड़ी देर के लिए अलग हो सकते हैं और नेचर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये ताज वायनाड का छोटा सा रिव्यू पसंद आया होगा। शुक्रिया।